वेलकम टू माई क्लास इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सल प्रोग्राम देर आर नंबर ऑफ लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस गिवन टू आस हियर ए लिस्ट ऑफ ऑल लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन इज गिवन टू यू ऑल दीज फंक्शन लिस्ट हेयर आर डिस्क इन सेपरेट वीडियो लेक्चर्स लेट स्टार्ट विद एक्स लुकअप इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्स लुकअप फंक्शन की एंड दिस इज पार्ट थ्री सबसे पहले एक्स लुकअप फंक्शन के पर्पस को देखते हैं इट सर्चस ए रेंज आर एन एरे फॉर ए मैच एंड रिटर्न्स द करस्पोंडिंग आइटम फ्रॉम ए सेकेंड रेंज आर एरे बाय डिफॉल्ट एन एग्जैक्ट मैचेस यूज्ड एक्स लुकअप के फंक्शन के अंदर हमारे पास छः आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं जिसके अंदर तीन मैंडेटरी हैं कंपल्सरी हैं एंड तीन ऑप्शनल हैं मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपके सामने एक डिफरेंट पॉइंट को टेकअप कर रहा हूँ लेकिन सबसे पहले हम यही देखते हैं हमने सिम्प्लिसिटी से एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर दिया सो एज टू सेव टाइम मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट के नाम दिए गए हैं और उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स और उनके मार्क्स का टोटल दिया गया है इस एक्स लुकअप फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर देखना चाहता हूँ लेफ्ट साइड के अंदर देखना चाहता हूँ मीन्स यहाँ पर मुझे नाम राइट साइड पे दिए गए हैं और मैं एक्स लुकअप के फंक्शन के थ्रू लेफ्ट साइड से कुछ वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ ये चीज वी लुकअप के अंदर पॉसिबल नहीं है वी लुकअप हमें लेफ्ट साइड के ऊपर वैल्यूज को देख के निकालने की इजाजत नहीं देता लेकिन एक्स लुकअप इट इज ए बिग इम्प्रूवमेंट ओवर वी लुकअप फंक्शन आइएगा देखते हैं हम ये वैल्यूज को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे मैं ये नेम वाले सेल के नीचे यहाँ पर क्लिक करके आई गो टू डेटा टैप आई गो टू डेटा वैलिडेशन डेटा वैलिडेशन के अंदर सेटिंग्स के अंदर अलाउ में ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैं लिस्ट कमांड को चूज करता हूँ और सोर्स के अंदर मैंने ये सभी स्टूडेंट के नाम की लिस्ट दे दी आई से ओके जैसे ही मैंने ओके okay किया आप यहाँ पर एक छोटा सा ट्रंगल को देख सकते हैं मैं स्ट्रेंगल पे क्लिक करता हूँ नाव आई कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द नेम्स मैं इनके फोन साइज को भी इंक्रीज कर देता हूं नाउ वी कैन चूज एनी ऑफ द नेम मुझे राहुल के मैथ्स के मार्क्स निकालने हैं राहुल का नाम मेरे पास राइट साइड पे है और मैथ्स वाले मार्क्स मेरे पास लेफ्ट साइड के अंदर हैं बट एक्स लुकअप फंक्शन हमें इसको भी एक्सट्रैक्ट करने के अंदर मदद करता है मैं मैथ्स के नीचे वाले सेल के अंदर एक्स लुकअप फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं दिस इज इक्वल्स टू एक्स लुकअप द फर्स्ट आर्गुमेंट इज लुकअप वैल्यू दिस इज माई लुकअप वैल्यू विच इज गिवन टू मीन जे एट द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज लुकअप एरे इस जे एट को आप किस एरे के अंदर ढूंढना चाहते हैं दिस इज द कंप्लीट array of name h a to h fourteen. Return array. आप इसके अंदर राहुल का किस पर्टिकुलर एरे से रिजल्ट चाहते हैं मैंने ये मैथ्स वाले एरे को यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया दिस इज फ्रॉम सी ए टू सी फोर्टीन आई क्लोज पेरेंथिस आई प्रेसेंट मेरे पास राहुल के मार्क्स मैथ्स के अंदर सेवेंटी एट है तो ये 78 एट वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ गई मैं यहाँ पर रोहित के ऊपर क्लिक करता हूँ तो रोहित के मैथ्स के अंदर एटी फाइव मार्क्स हैं तो ये मेरे पास एटी फाइव आ गया मैं इस केस के अंदर के निखिल पे क्लिक करता हूँ तो निखिल के सबसे नीचे मार्क्स एटी फोर दिए गए हैं मैथ्स के तो यहाँ पर मेरे पास एटी फोर मार्क्स आ गए हमने इसके लिए जिस फंक्शन को यूज़ किया वो मैं आपके रेफरेंस के लिए राइट right साइड के ऊपर इस जगह पर दे रहा हूं स्टूडेंट अगर यही काम हमने वी लुकअप के जरिए किया होता तो क्या होता मैं इस जगह के ऊपर वी लुकअप फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ इसके अंदर लुकअप वैल्यू दिस इज माई लुकअप वैल्यू विच इज गिवन टू मी इन जे एट इसके बाद टेबल एरे मेरे पास ये कंप्लीट टेबल एरे है दिस इज फ्रॉम बी ए टू एच फोर्टीन कॉमा इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर मेरे पास कॉलम इंडेक्स नंबर इंग्लिश फर्स्ट कॉलम है मैथ्स कॉलम इंडेक्स नंबर सेकंड है तो मैं यहाँ पर टू दे देता हूँ इसके बाद आर्गुमेंट ऑप्शनल है तो मैं उसको अवॉइड करके पेरेंथेसिस को क्लोज कर रहा हूँ ये मैंने वी लुकअप के फंक्शन को लिखा आई प्रेस एंटर लेकिन मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक एरर मिलती है नॉट अवेलेबल इट मीन्स वी लुकअप फंक्शन यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ नहीं देख सकता जो मैंने वी लुकअप का फंक्शन लिया है वो मैं आपके रेफरेंस के लिए राइट right साइड के ऊपर यहाँ पर दे रहा हूँ सो एक्स लुकअप फंक्शन एक एडवांटेज देता है हमें वी लुकअप फंक्शन के ऊपर वी लुकअप का फंक्शन लेफ्ट साइड की ओर देख के डेटा को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता जबकि एक्स लुकअप का फंक्शन लेफ्ट साइड से हमें डेटा को निकालने की इजाज़त देता है स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपकी एक्स लुकअप के बारे में और ज्यादा क्लैरिटी बनेगी थैंक यू वेरी मच